हेलो फ्रेंड्स, आज मैं क्लास 12th का जो चैप्टर डेरिवेटिव जो है वो शुरू कर रहा हूँ। बहुत ही बेसिक से हम लोग जो है वो डेरिवेटिव का चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो क्योंकि बहुत सारे लोग अभी 21 दिन के लिए लॉकडाउन में फंसे हुए हैं, तो मेरी ये कोशिश रहेगी कि बहुत सारा जो सिलेबस है जो मैं अपनी तरफ से करवा सकता हूँ इन वीडियोज़ के थ्रू, वो मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करता रहूँगा। ठीक है, तो हम लोग शुरू करेंगे। सबसे पहले व्हाट इज़ डेरिवेटिव। ठीक है, तो इसमें मैंने एक ग्राफ आपके सामने जो है वो बना हुआ आ रहा है। तो ये ग्राफ का एक्स एक्सिस है और ये जो है लाइन यहाँ पे, ये ग्राफ का वाई एक्सिस है। ठीक है, मैंने दो पॉइंट्स प्लॉट किए, ए और बी। ए के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो x1, y1 है और जो बी के कोऑर्डिनेट्स हैं वो x2, y2 है। तो मैंने ए पॉइंट को एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्ट किया, तो जो ये डिस्टेंस है इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, मतलब ओरिजिन से यहाँ तक, ये x1 होगा क्योंकि ये कोऑर्डिनेट x1, y1 है। सिमिलरली अगर मैं बी पॉइंट को प्रोजेक्ट करूँ एक्स एक्सिस पे, तो जो ये वाला डिस्टेंस होगा इस पॉइंट से, ओरिजिन से इस पॉइंट तक, ये x2 होगा। ठीक है, तो मैं ए सी की अगर बात करूँ, ए सी, तो ये देखो ये x2 यहाँ तक, इसमें से x1 गया, तो ये कितना बचा यहाँ पे, x2 - x1। सिमिलरली अगर मैं वाई एक्सिस पे बात करूँ, तो वाई एक्सिस का एक पॉइंट मैंने यहाँ प्रोजेक्ट किया, तो जो ओरिजिन से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस है जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ये y1 हो गया, और ओरिजिन से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस ये y2 हो गया। ठीक है, यहाँ से लिखे यहाँ तक। तो बी सी की अगर हम लोग बात करें, तो बी सी हो गया हमारे पास y2 - y1, क्योंकि ये पूरा यहाँ से यहाँ तक y2 है, ये y1 है, तो ये यहाँ से यहाँ तक जो है वो y2 - y1 हो गया। ठीक है, अब इसमें हम लोग सबसे पहले डिफाइन करते हैं स्लोप। स्लोप से मतलब क्या है कि ए और बी जो लाइन है जो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है, उसकी ढलान कैसे है। ठीक है, स्लोप का मतलब है ढलान। जैसे देखो ये इसकी ढलान है, इस टाइम पे ये ढलान है ही नहीं क्योंकि ये ढलान ज़ीरो है। धीरे धीरे मैं ऊपर जा रहा हूँ जा रहा हूँ जा रहा हूँ, तो ढलान बढ़ रही है। ठीक है, तो ढलान से मतलब क्या है कि कितना लीन है ये एक्स एक्सिस के साथ। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे मेज़र करते हैं, जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से जो एंगल होता है उसको हम लोग थीटा बोलते हैं। तो टेंजेंट इस एंगल का, टेंजेंट ऑफ थीटा, विच इज़, क्योंकि टेंजेंट थीटा सबको मालूम है क्या होता है, बेस अपॉन, सॉरी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर है बी सी अपॉन ए सी, विच इज़ y2 - y1 / x2 - x1। तो यहाँ पे जो हम लोगों ने देखा कि टेन थीटा की वैल्यू जो है y2 - y1 / x2 - x1 जो है वो आ गई। तो आप ये देखो, ए से बी मूव करने पे, ध्यान से देखो, ए से बी मूव करने पे मेरा वाई में कितना चेंज हुआ। मतलब वाई में मैं पहले y1 पे था, अब वाई एक्सिस में मैं y2 पे चला गया, तो जो चेंज वाई में हुआ दैट इज़ y2 - y1। सिमिलरली अगर मैं बात करूं एक्स एक्सिस के चेंज की, तो पहले मैं ए पॉइंट पे x1 पे था, अब बी पॉइंट पे x2 पे हूँ, तो जो चेंज हो गया मेरे पास वो हो गया x2 - x1। तो डेल्टा से हम लोग जो हैं वो चेंज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो dy/Δx, dy/Δx, अगर ये डेल्टा बहुत ज़्यादा स्मॉल हो, इन्फिनाइटेसिमली स्मॉल, मतलब बिल्कुल जस्ट एक डॉट जितना मोमेंट, बिल्कुल यहाँ से यहाँ तक बहुत छोटा मोमेंट अगर हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसको हम लोग dy/Dx लिखते हैं। तो इसको पढ़ते देखो कैसे हैं हम लोग, dy/Dx मतलब चेंज इन वाई पर यूनिट एक्स, चेंज इन वाई पर यूनिट एक्स। ठीक है, तो इसको हम लोग एक और टर्म यूज़ करते हैं इसके लिए, क्या, डेरिवेटिव ऑफ वाई। मतलब ये साइन है किसका, डेरिवेटिव का, किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं, एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं। तो डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो dy/Dx एक हमें क्या रिप्रेजेंट करता है कि वाई का जो डेरिवेटिव है, या कोई भी फंक्शन यहाँ पे है एफ एक्स, उसका जो डेरिवेटिव है वो किसके रिस्पेक्ट में हम लोग देख रहे हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में। मतलब वाई कैसे कैसे चेंज हो रहा है जैसे जैसे एक्स चेंज हो रहा है, तो डेरिवेटिव से मतलब ये होता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले एक थ्योरम आती है जो कि बहुत सिंपल है, एक्स की पावर एन। अगर मैं इसका डेरिवेटिव देखूं एक्स की पावर एन का, तो जो इसका फॉर्मूला होता है इसको ध्यान से देखो, जो इसकी पावर में था एन वो मैंने नीचे उतारा यहाँ लिखा, और इसकी पावर में से एक माइनस कर दिया। ये एन कोई भी नंबर हो सकता है, प्लस हो, माइनस हो,
ठीक है, रैशनल नंबर भी हो सकता है, इरेशनल नंबर भी हो सकता है, तो ये कोई भी नंबर एन हो सकता है, उसका जो डेरिवेटिव है वो क्या होगा, एन नीचे उतरा और इसकी पावर में से एक माइनस हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, मैंने ऐसे वर्टिकली सॉल्व किया हुआ है, देखो थोड़ा सा, जैसे एक्स की पावर 5 है, तो एक्स की पावर 5 का जो डेरिवेटिव होगा, 5 नीचे उतरेगा और इसकी पावर में से एक माइनस, ठीक है, तो ये क्या बन गया, 5x की पावर 5 माइनस 1 क्या हो गया, 4, ठीक है। सिमिलरली देखो x की पावर 10 है, x की पावर 10 का जो डेरिवेटिव होगा वो कैसे सॉल्व करेंगे, 10 नीचे उतरेगा इसकी पावर में से एक माइनस, विच इज़ 10x की पावर 9, ठीक है। माइनस में भी हो सकता है ये, तो देखो माइनस 5 नीचे उतरेगा, x की पावर माइनस 5 माइनस 1, यहाँ प्लस नहीं कर देना, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला यही रहेगा, एंड में से 1 माइनस करना है हमें, ठीक है। तो ये क्या हो गया, माइनस 5 एक्स की पावर माइनस 6, ठीक है। सिमिलरली एक्स की पावर माइनस 10 है, तो माइनस 10 नीचे उतरा और माइनस 10 माइनस 1 विच इज़ माइनस 11, ठीक है। तो ये इस एग्जाम्पल से मुझे लगता है शायद आपको ये वाला फॉर्मूला जो है वो क्लियर हो गया। बाकी देखो इसके अंदर एन की वैल्यू 1/2 भी हो सकती है, 1/5 भी हो सकती है, 4/5 भी हो सकती है, √2 भी हो सकती है, कोई भी वैल्यू हो सकती है। सब क्वेश्चंस को हमें इसी फॉर्मूला से, इसी तरीके से जो है वो सॉल्व करना है, ठीक है। अब इसमें देखो दूसरी चीज़ जो आती है वो हम लोगों को ये देखनी है कि अगर ये फंक्शन किसी भी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, तो कांस्टेंट हम लोग डेरिवेटिव से बाहर निकाल देते हैं, ठीक है, क्योंकि देखो कांस्टेंट मतलब वो चेंज नहीं हो रहा, तो यहाँ पे देखो चेंज इन वाई वो तो चेंज हो ही नहीं रहा, तो उसको हम लोग इस फंक्शन से, इससे dy/dx से बाहर निकाल लेते हैं और सिर्फ fx का डेरिवेटिव जो है वो करते हैं। देखो मैंने नीचे एग्जांपल दिया है, इससे बेटर क्लियर हो जाएगा। जैसे 5x² है, तो 5 को बाहर लिख दो, एक्स स्क्वायर का जो डेरिवेटिव है वो यहाँ पे लिखो, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, देखो 2 नीचे उतरेगा और एक्स की पावर 2 की पावर 2 में से एक माइनस होगा, तो 2 - 1 इज 1, तो यहाँ पे 5 2 = 10 और 10x हो जाएगा। सिमिलरली देखो 10/x² है, अगर मेरे को इसका डेरिवेटिव करना है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 10x² - 2, तो 10x² - 2 देखो कांस्टेंट है, तो बाहर अंदर वाले का डेरिवेटिव जैसे हमने ऊपर सॉल्व किया, माइनस 2 नीचे उतरेगा और इसकी पावर में से एक माइनस जो है वो हो जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा इसका -20x³-3, ठीक है। तो इसमें तीसरी थ्योरम जो हम लोगों को ध्यान देनी है वो क्या, कि कांस्टेंट फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो ज़ीरो रहता है। ये बहुत ऑब्वियस है क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन चेंज ही नहीं होता, ठीक है। अगर मैं वाई की बात करूँ तो वाई चेंज हो ही नहीं रहा, ठीक है, dy/dx वाई चेंज होएगा ही नहीं, तो उसका डेरिवेटिव क्या रहेगा, ज़ीरो रहेगा, मतलब उसके अंदर कोई भी चेंज जो है वो नहीं हो रहा, ठीक है। मैंने एग्जांपल के तौर पे लिखा हुआ, जैसे मान लो मेरे को dy/dx 5 करना है, तो 5 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5x² - 0, क्योंकि किसी भी चीज़ की पावर 0 जो है यहाँ पे वो 1 रिप्रेजेंट करेगा। अब इसको सॉल्व करो, 5 क्योंकि कॉन्स्टेंट है वो मैंने बाहर लिख दिया, 0 नीचे उतरेगा, इसकी पावर में से एक माइनस होगा, तो 5 * 0 = 0। तो मतलब ये याद रखो आप कि कांस्टेंट जो है उसका डेरिवेटिव हमेशा किसके बराबर रहता है, 0 के बराबर रहता है, ठीक है। इसके अंदर चौथी थ्योरम जो आपको ध्यान देनी है वो है कि अगर कोई फंक्शन एडिशन में है या सब्ट्रैक्शन में है, मतलब fx प्लस माइनस, मतलब प्लस भी हो सकता है या माइनस भी हो सकता है gx, तो जो ये डेरिवेटिव है ये स्प्लिट कर जाता है, मतलब इसका फंक्शन का डेरिवेटिव अलग प्लस इस फंक्शन का डेरिवेटिव जो है वो अलग। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया, यहाँ से आपको बेटर क्लियर हो जाएगा, इसमें मैंने सारी थ्योरम्स जो हैं वो कवर कर रखी हैं। जैसे फॉर एग्जांपल x^4 + 2x³ - 3x² + 4, तो इसका डेरिवेटिव देखो कैसे करेंगे, x^4 के अंदर ये स्प्लिट हो जाएगा, प्लस इसके अंदर स्प्लिट हो जाएगा, प्लस इसके अंदर, प्लस इसके अंदर। तो देखो x^4 का जो डेरिवेटिव है वो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, 4 नीचे उतरा इसकी पावर में से एक माइनस, तो 4x³ + 2 क्योंकि कांस्टेंट है वो बाहर लिख दिया हमने, x³ का जो डेरिवेटिव है वो 3x² - 3, कांस्टेंट था बाहर लिख दिया, इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो 2 नीचे उतरा इसकी पावर में से एक माइनस, तो 2x + 4 का डेरिवेटिव 0। तो इसको आप पूरा सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 4x³ + 6x² - 6x + 0। मैंने एक और एग्जांपल लिया है, इससे बेटर अंडरस्टैंड हो जाएगा आपको कि ज़रूरी नहीं है कि फंक्शन आपको डायरेक्टली प्लस और माइनस की फॉर्म में मिलेगा, हो सकता है कई बार फंक्शन जो है हमें कन्वर्ट करना पड़े प्लस और माइनस में। वैसे यहाँ पे डिवीजन नज़र आ रहा है, लेकिन आप थोड़ा सा अगर स्मार्टली देखें इसको, तो अगर मैं इन दोनों में से x² कॉमन लूँ, तो यहाँ x² आ गया, अंदर बचेगा x+1, यहाँ से 1 कॉमन लिया x+1, तो इसके फैक्टर्स बन जाएंगे क्या,
एक्स स्क्वायर प्लस वन,